वेल गैस, आज का टॉपिक हमारा क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। वेल, क्लाउड से लेके लोगों को लगता है, बहुत सारे बोलते हैं जी आसमान है, जी आसमान में रहता है, राइट, आसमान में डेटा रहेगा जैसे बादल रहते हैं और वहाँ पर जाके कहीं छुप जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेल, मैं थोड़ा किडिंग कर रहा हूँ, आपको समझाता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में क्या होता है। अब मान लो हम काम करते हैं, ठीक है, हमारे स्टार्टअप एक टॉप टेस्ट सीरीज जिसमें बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं लोग और कंपटीशन एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करवाते हैं, तो हमारे पास बहुत डेटा होता है, राइट। या तो मैं वो हार्ड डिस्क खरीद लूँ बहुत सारे, राइट, और उस डेटा को रखते जाऊँ, कितना रहेगा, एक एक 10-10 मिनट का वीडियो का डेटा होता है 1 GB, और हमारे पास टोटल वीडियोज़ जो हमारे पास अभी हैं लगभग 4000 वीडियोज़ हैं, मतलब 4000 GB मेरे को चाहिए डेटा, मतलब 4 TB मेरे को डेटा चाहिए, प्लस वो सब दिन नहीं रहता है, ख़राब हो जाता है, SSD जो जल्दी ख़राब होता है, SSD थोड़ा टाइम लगता है, राइट, मतलब अब चल जाएगा अभी पता नहीं कि तब ख़राब होगा, लेकिन SSD जल्दी ख़राब, हार्ड डिस्क वाला जल्दी ख़राब होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव थोड़ा टाइम, काफ़ी टाइम जाता है, महंगे भी होते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से रखो, मेंटेन करो, प्रॉब्लम होता है बहुत, और एक बंदा एक टाइम पर एक्सेस कर पाएगा, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसमें जब मान लो मेरे पास 50,000 वीडियोज़ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तब क्या करूँगा, मैं हार्ड डिस्क भरते रहूँगा, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा मेरे को बहुत ज़्यादा, राइट। तो उसके वजह से हम क्या करते हैं, मतलब जो बड़े कंपनीज जिनके पास बहुत डेटा है वो क्या करते हैं, वो मान लो पहले क्या था, खुद का उन्होंने अपना सर्वर बनाया, राइट, खुद का सर्वर बना लिया, मान लो उनका ऑफिस 50 है, 50 जगह पर डेटा रखना पड़ेगा, फिर कनेक्शन कैसे करेंगे, एक्सेस करना मुश्किल होगा, कहीं का लोग कहीं एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो खुद का सर्वर बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब सर्वर बनाने से तो नहीं होता है खाली, उसका मेंटेनेंस खर्चा है, सिक्योरिटी का खर्चा है, बहुत कुछ खर्चा होता है, डिप्लॉयमेंट का खर्चा है, बहुत कुछ खर्चा है, राइट। सो उसकी वजह से क्या हुआ, अब बड़े बड़े कंपनीज जैसे अमेजन, गूगल, इनको पता लगा मार्केट के बारे में, हाँ भाई ये मार्केट है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना सर्वर बिल्ड करा और लोगों को बिल्कुल सस्ते प्राइस में देना शुरू करा कि 10 रुपया पर GB या फिर 12 रुपया पर GB या फिर और लोग ज़्यादा लोग कम कर देंगे, 8 रुपया पर GB डेटा करो, यूज़ करो आप, ठीक है। उसके वजह से क्या, गूगल आप लोगों को फ्री में, हमें भी फ्री में देती है जीमेल यूज़ करने के लिए, और उसका बढ़ जाए तो बोलता है गूगल क्लाउड से बाय कर लो। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, कंपनीज बहुत सारे कंपनीज क्या कर रहे हैं कि अपना सर्वर बंद और दूसरे सर्विस लेना शुरू कर दिया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड सर्विसेज बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग उसी को बोलते हैं हम लोग, बेसिकली क्लाउड सर्विसेज के अंदर ही आता है, राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग उसी का ही पार्ट है, आई होप समझ गए क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग इसका मतलब ये नहीं कि डेटा आसमान में छुपा हुआ है, नहीं, इसका मतलब है कि आपके पास, आप इंटरनेट के जरिए डेटा को रख सकते हो, वहां से उड़ा भी सकते हो, वहां से आपको कोई और एक्सेस भी कर सकता है, कहीं और दुनिया किसी और जगह बैठा हुआ है, तो आसान हो गया लोगों का कि आपको कोई इंजीनियर रखने की जरूरत नहीं है, बस पैसे थोड़ा सा फीस दो और यूज करो आप। तो कंपनीज जो छोटे लेवल के कंपनीज थे उन्होंने क्या करा, सर्विसेज लेना शुरू कर दिया, इवन कुछ बड़े कंपनीज ही सर्विस लेना शुरू करती है, बिकॉज उनको लगा कि भाई ये अफोर्डेबल है, इफेक्टिव है, इसका एक प्रोज भी है, कौन है प्रोज, क्या है फायदा हो रहा है, कौन क्या है, अगर मोनोपोली क्रिएट हो गया, एक कंपनी दो कंपनी बच गई तो अपने अकॉर्डिंग वो पैसे चार्ज करना, मतलब पैसे बढ़ा देंगे, लेकिन खैर उसका तो डीमेरिट, हर चीज़ का डीमेरिट रहता है, लेकिन ऐसा होते हुए दिखा नहीं जा रहा है पिछले 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा टॉप पे जा रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपका फ्यूचर बनेगा, दैट इज एम क्रिएटिंग दिस वीडियोज, राइट, सो दैट यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर दिस सेक्टर एंड यू कैन गेट जॉब बेस्ड ऑन योर एबिलिटी, बेस्ड ऑन द स्किल्स यू हैव और यू विल हैव मे बी। सो ये था बेसिक डेफिनेशन और बेसिक इंफॉर्मेशन ही होता है क्या, व्हाट इज इट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज इंपॉर्टेंट कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, भाई कहाँ पर नौकरी लग जाएगी तो बताओ। तो उससे पहले हम बात करेंगे डेटा, भाई कितना नौकरी अवेलेबल होगा मार्केट में इंडिया में। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हमारे पास टोटल जॉब्स होंगे इसी फील्ड में क्लाउड कंप्यूटिंग में कितना, 2 मिलियन जॉब्स हो जाएंगे, 2 मिलियन बाय 2025। मैक्सिमम ऑफ यू जो आप पास आउट करेंगे 23 में, 24 में, 25 में पास आउट करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा फील हो सकता है, बिकॉज आप 23, 24, 25 अगर टोटल अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में जोड़ दूं, राइट, उसमें BCA और MCA को, BCA MCA वालों को इतना ज़्यादा, बहुत कम बच्चे होते हैं और बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा देखता हूँ मैं, जो मैंने देखा
कंपनीज प्रेफर करते हैं बीटेक वालों को एज कम्पेयर टू बीसीए और एमसीए, थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है बीटेक वालों को। तो हम अगर मिल लें तो कितने बच्चे आप लोग हैं, 5-6 लाख हैं। एक साल में कंप्यूटर सेंटर एडमिशन कितने लेते हैं, 1,60,000 के आसपास, 50,000-60,000 के आसपास, चलो बढ़ गया मान लो 1,80,000 हो गया। फिर भी कितने जॉब्स, 2 मिलियन जॉब्स। अभी कितना जॉब्स मार्केट में, 5 लाख के आसपास, 15 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे 3-4 साल में, मतलब हर साल कितना, 4 लाख न्यू जॉब्स होगा। बच्चे कितने हैं, बहुत कम है, तो कोर ब्रांच में भी जाएंगे जॉब लेने के लिए, अबे हर साल क्रिएट होगा, राइट। तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मतलब इसमें डिमांड है, मतलब जॉब ले सकते हैं जो अभी रिपोर्ट मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया, जॉब्स में बहुत है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, देखो जॉब्स कैसे क्रिएट होते हैं, इन्वेस्टमेंट से। आप कोई पैसा लगाया नहीं कि सकते, जॉब्स कैसे क्रिएट होगा, तो इन्वेस्टमेंट कितना आया है 2021 में, इस साल अब तक 4.4 बिलियन, राइट। और 2022 में 5.6 बिलियन आ सकता है इंडिया में। इसके जो लॉजिक क्या है, इतने कंपनीज, बाहर कंपनीज, इंडिया कंपनीज इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, इवन टाटा बाकी कंपनीज भी इन्वेस्ट कर नहीं सकते, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज लोग, इंडिया में जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या ज़्यादा जहाँ पर होगा, और इंडिया के लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो जब जनसंख्या ज़्यादा है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट अच्छा है, इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है, जो बिजनेस करें उनके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, समझ रहे हो, फ्री में तो कोई बिजनेस करेगा नहीं। जब बिजनेसेस आएंगे तो जॉब्स भी आएंगे, तो आपको देखना है बिजनेस करना है कि जॉब करना है। बिजनेस में बहुत पैसा है, जॉब में दाल रोटी का पैसा है इन जनरल, यही है, राइट, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, लगभग 70-80% बिजनेस क्लाउड में शिफ्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये मेरे को लगता है जो होने वाला है परसेंटेज अप टू 95% भी होने का चांसेस है, तो अभी और बढ़ेगा ये, राइट। सो ये था आपका करियर अपॉर्चुनिटीज में बेसिकली क्यों अपॉर्चुनिटीज है। अब आगे बात करेंगे सेक्टर्स कि जॉब के सेक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें। भाई क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब सारे कोई हर फील्ड में काम नहीं कर सकता है ना, आपका एक अलग अलग सेक्टर होते हैं, तो बेस्ड ऑन योर एबिलिटी आपको सेक्टर चूज करना। देखो एक बार, आप सबसे ज्यादा सैलरी जो होता है बेसिकली मैंने देखा यहाँ पर आर्किटेक्ट का सबसे अच्छा सैलरी होता है, इसमें भी कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन मैंने एक को पकड़ लिया, आर्किटेक्ट का सबसे अच्छा सैलरी होता है। आर्किटेक्ट वैसे स्टार्टिंग में कोई बनता नहीं है, परसेंटेज भी बहुत ज्यादा नहीं है बंदों का नौकरी लगने का, इसमें सैलरी अच्छा है, काम भी आपको करना पड़ेगा बढ़िया, इसमें एफर्ट लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, बट इसमें पैसा अच्छा है। देखो भाई, पैसा जहां पर ज्यादा है वहां पर पैसा खाली नहीं आएगा, साथ में कुछ और चीजों को लेके आएगा, टेंशन को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को, इसको आपको समझना चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट, इंजीनियर, राइट, क्लाउड इंजीनियर इसको बोलते हैं, ये क्लाउड आर्किटेक्ट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, क्लाउड इंजीनियर बोलेंगे, इसके भी वैकेंसीज हैं। क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट, भाई सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम आपको पता लग गया, एनालिस्ट क्या होता है, एनालिसिस करना, सिक्योरिटी वाले भी होंगे, एनालिस्ट भी होंगे, उसमें हैकर्स भी रहते हैं, बिकॉज कहीं सर्वर हैक ना कर ले कोई, तो इसमें बहुत कुछ रहता है, पैसा खर्चा होता है इस चीज़ को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या है, पूरे एडमिन रहेगा बोल सकते हो, मतलब पूरा बोल सकते हो, कंट्रोलर बोल सकते, एग्जामिनेशन कंट्रोलर बोलते हैं ना, एडमिन है भाई एग्जाम का, मतलब कंट्रोल करता है एग्जाम, वो वाली बात है। नेक्स्ट, कंसल्टेंट, बिजनेस वाला पर्सन, दिस ऑल अबाउट बिजनेस, कंसल्टेंट मतलब क्या, बिजनेस की बात कर रहा है, बिजनेस कंसल्टेंट, क्लाउड कंसल्टेंट इसको बोलते हैं, राइट। वो बिजनेस लाना होता है या फिर जो कंपनीज अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे को क्लाउड सर्विस चाहिए, उनको बेसिकली अपने कंपनीज के बारे में समझाना और बेसिकली सर्विसेज देना, कंसल्टेंट का यही होता है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड बोल सकते हो, ये टॉप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आपका AWS अभी टॉप पे इंडिया में जो मेरे पास डेटा है, राइट। ये तीनों में अच्छा कंपटीशन है इंडिया में, राइट। आप इसको क्लाउड ले लो, राइट, Azure है माइक्रोसॉफ्ट का ये, राइट, AWS Amazon का है, गूगल क्लाउड है, IBM क्लाउड, SAP, ये बेसिकली टॉप बोल सकते हो अभी मार्केट लीडर है इंडिया के, बट ये चेंज होगा आगे जाके, नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में यहां पर आप उथल पुथल देखेंगे, बिकॉज इंडिया के कुछ अच्छे प्लेयर्स इसमें एंटर हो चुके हैं, मे बी यू विल सी सम चेंजेस इन दिस लिस्ट, बट अभी के लिए जो है आपका यहाँ पर ये 5 बेसिकली मैंने देखा बिग प्लेयर्स हैं जो क्लाउड सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया में। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स का खास होता क्या है, इन्वेस्टमेंट वन टाइम है, इनकम लाइफ टाइम है, कैसे, ये भाई रेंट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने घर बना लिया, अब घर को रेंट पे चढ़ाया, पैसे मिलेंगे ना, एक बार पैसा लगाया, थोड़ा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगा,
राइट, सिक्योरिटी जरूरत पड़ेगा, लेकिन आपको पैसा बार बार मिलेगा, वो वाली बात यहाँ पर भी है। सेम टू सेम मान लो जो आपका टेलीकॉम ऑपरेटर है, रिलायंस है आपका, जैसे जियो है, एयरटेल है, इन्होंने एक बार पैसा लगाया, लेकिन हर बार हर महीने आपसे पैसे लेते हैं, राइट, छोटा सा अमाउंट, बहुत लोगों को सर्विस देते हैं, तो ये बिजनेस मॉडल होता है, दिस इज बिजनेस मॉडल, राइट, ठीक है। और आप कोई खाना नहीं खा रहे हो उनसे, बस सर्विस ले रहे हो, कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा बचता है, राइट, सो इनकम इज देयर। नेक्स्ट हम क्या हमारे बात कर रहे हैं सैलरी। देखो ये सैलरी वाला ना बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है टू टेल एग्जैक्टली सैलरी कैसे डिफाइन होते हैं, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भाई, कॉलेज वाइज चलते हैं, कॉलेज वाइज जाओगे, IIT से हो तो एवरेज पैकेज 20 का है, NIT से हो एवरेज पैकेज 12 से 15 का है, लेस NIT मतलब नए IIT से हो एवरेज पैकेज 10 के आसपास 12 के आसपास होगा, नया NIT से हो एवरेज पैकेज 5 से 7 लाख का होगा। ये ओल्ड की बता रहा हूँ मैं, और ये न्यू की बता रहा हूँ, ये ओल्ड की बता रहा हूँ। कुछ ओल्ड में भाई NIT में भी 17-18 लाख का एवरेज पैकेज है, कुछ में, सब में नहीं है, ये न्यू की बात कर रहा हूँ मैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, कितना वेरिएबल क्यों है इसलिए थोड़ा बताना जरूरी है आपको, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने बताया था ऐसा था, अभी भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता नहीं सकता, बिकॉज बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, हर कॉलेज का अलग अलग होता है भाई, हर कॉलेज में अलग अलग प्लेसमेंट होता है, हर कॉलेज में अलग अलग ब्रांच को प्रेफरेंस मिलता है, ये सब आपको जो बता रहा हूँ मैं एवरेज है, दिस इज एवरेज, एक्सेप्शनल हर जगह रहता है ना, हर चीज़ बता नहीं सकते आपको, फिर काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा आप समझाने के भी, आपको सुनने का भी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जी, मान लो आपने कोई कोर्स कर लिया, कोई सर्टिफिकेशन करा आपने, कोर्स मैं बताने वाला हूँ, उसमें क्या मिलेगा, उसमें देखो सैलरी डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। पहला, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है क्या, अगर एक्सपीरियंस है किस फील्ड में, क्लाउड में किसी और में है, क्लाउड अगर है तो अच्छा है, किसी और में है थोड़ा कम प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। दूसरा, आपके पास क्या है, आप कोर्स कहाँ से करे हो और सर्टिफिकेशन कौन सा आपके पास है। तीसरा, आपके पास स्किल कैसे हैं, सॉफ्ट स्किल कैसे हैं, आपका स्किल्स कैसा है। चौथा, कौन से कंपनी वाला, कंपनी का पेइंग कैपेसिटी क्या है, कंपनी छोटी है बड़ी है कैसी है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, उसके बेसिस पे सैलरी होता है। अब यहाँ पर सैलरी का रेंज 2 लाख से लेके वही यहाँ पर 20 लाख तक, 25 लाख तक हो सकता है आपका सैलरी, 2 लाख पर मंथ से लेके, मैं 2 लाख आप तक देखा है मिनिमम, 2 लाख 2.5 लाख से लेके 20 लाख तक हो सकता है। अब आप पर डिपेंड करेगा भैया आप क्या कर रहे हो, लेकिन सैलरी सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लाउड आर्किटेक्ट का इन जनरल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया कि आपको अगर जाना है किसमें, कौन सेक्टर में जाना है उसके हिसाब से आपको लैंग्वेजेस सीखना है। मान लो आपको डेवलपमेंट में जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो ये चीज़ सीख लो आप, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट और नया लैंग्वेज जो आ रहा है आपका गो, स्काला, उसके .NET एंड PHP, ये सीखो आप अगर आपको किसमें जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लाउड के लिए। क्लाउड सिक्योरिटी के लिए आपको सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, राइट, अलग उसका है। डेव ऑपरेशन सीखिए आप, राइट, डेटाबेस के लिए MySQL सीखो, Hadoop सीखो, क्लाउड डिप्लॉयमेंट का सिस्टम सीखो, और आपको आगे जाना है AI ML सीखो, ये भी काम का यहाँ पर है, AI ML भी काम आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्टिफिकेशन, कौन कौन सर्टिफिकेशन करना चाहिए। देखो भाई, सर्टिफिकेशन वही प्रोवाइड कर रहे हैं जो टॉप प्लेयर्स हैं, राइट, मैंने देखा है एक्चुअली AWS का बहुत पॉपुलर है, गूगल का भी काफ़ी पॉपुलर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का भी काफ़ी पॉपुलर है, इवन आपका SAP का भी पॉपुलर है। तो आपको जिस क्लाउड में काम करना है, जिस कंपनी के काम करना है, जिस कंपनी क्लाउड में काम करना है, उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से आप बैठो मत, करते रहो, क्या जा रहा है, यही होता है लाइफ, आपको सीखते रहना है, और अगर इस फील्ड में आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ करना है, यही था इस वीडियो में। आई होप सो आपको पता लग गया क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, सारा फंडा मैंने क्लियर कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।